हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज से हम एक क्लास टेंथ जो एकेडमिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री होता है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और क्लास टेंथ की सारे के सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला कहाँ से आया, क्या हुई, सारे के सारे चीज़ों को हम डील करेंगे। हम कम से कम 10 एपिसोड इस ट्रिगोनोमेट्री पर बनाएंगे, जिसका ये पहला एपिसोड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो पहले मैं बता दूं ट्रिगोनोमेट्री शब्द आया कहाँ से है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ट्रिगोनोन और दूसरा मैट्रन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रन का मतलब होता है मेजर से रिलेटेड। ट्रायंगल मतलब आप जानते हैं त्रिभुज, और मेजर मतलब माप। ठीक, सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन से उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। दैट स्टडीज रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में कहें तो यह गणित की वह शाखा है जिसके तहत हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके एंगल्स का जो संबंध होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम एक टॉपिक डालते हैं, उसको हम बात करेंगे। लिखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसको जानने से पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं और बेस क्या होता है। ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती है। माना कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा। तो हम अगर थीटा के लिए आपसे पूछे बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे जो साइड थीटा के एडजेसेंट होगी इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक, और इसको बोलते हैं इसके ऑपोजिट। ठीक, ऑपोजिट साइड। और हमेशा आप मेरे दोस्त ध्यान रखना कि 90 के जो ऑपोजिट हों वो हमेशा फिक्स होते हैं, जो होता है हाइपोटेनस। ठीक, तो जो एडजेसेंट होंगे वही इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कहलाएंगे, और जो ऑपोजिट होंगे वो बेस। और जो ऑपोजिट होंगे वो
परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम बात करेंगे, समझ में आया? अगर हम इस एंगल के लिए बातें करते तो ये एडजेसेंट हो जाता, तो ये बेस, और इसके अपोजिट ये हो जाता तो ये एंगल, सॉरी, ये साइड परपेंडिकुलर कहलाता। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए। हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल थीटा, सॉरी 90, ये थीटा, मानते ए बी सी। ठीक, तो आप जानते हैं इस थीटा के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस 90 के सामने, हम समझा चुके हैं। तो हम सबसे पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिखते हैं थीटा के साथ। तो साइन थीटा इक्वल टू, ऐसे लिखिए, पूरा नाम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होंगे, हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर क्या होंगे इस थीटा के लिए, फोर एंगल थीटा, फोर थीटा ए बी, और ए बी को हमने एक्स यूनिट मान लिया। ठीक, एक्स यूनिट, बेस को हमने वाई यूनिट मान लिया, और हाइपोटेनस को हमने जेड यूनिट। हाइपोटेनस आप पूछो जेड यूनिट, जेड यूनिट, वाई यूनिट और एक्स यूनिट। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, पी फोर परपेंडिकुलर, एच फोर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स। एच क्या है यहाँ, जेड, तो लिखेंगे जेड। ठीक, अब कोसाइन थीटा क्या होता है, तो कोसाइन थीटा होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस हमने क्या माना है, वाई, तो वाई अपॉन एच। ठीक, अब हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे लिख सकते हैं पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ एक्स, बेस कितना है वाई। कोटेंजेंट थीटा होता है, कोटेंजेंट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, सो हियर बी इक्वल टू वाई, और पी क्या है एक्स के बराबर। ठीक, सेकेंड थीटा होता है बी अपॉन एच, इसको लिख लेते हैं बी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनस यहाँ है जेड, तो जेड अपॉन बेस वाई। कोसेकेंट थीटा एच अपॉन पी, एच कितना है यहाँ जेड, लिख लेते हैं एच अपॉन पी, एच कितना है जेड, और पी एक्स के बराबर। ठीक है मेरे दोस्त, हम साइन थीटा को शॉर्ट में लिख देते हैं, रिटन एज, ऐसे साइन थीटा, इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं टेन थीटा, इसको लिख देते हैं कॉट थीटा, इसको लिख देते हैं sec थीटा, और इसको लिख देते हैं cosec थीटा।
फिर से मैं समझा दूँ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ए बी वो एक्स यूनिट माना है, इसीलिए एक्स अपॉन जेड। सिमिलरली कोसाइन थीटा बी अपॉन एच, टेंजेंट थीटा बी पी अपॉन बी, कोटेंजेंट थीटा बी अपॉन पी, सेकेंड थीटा एच अपॉन बी और कोसेकेंड थीटा एच वाई पी। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए पीके ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।